नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि सम्मान निधि योजना 17वीं किस्त जारी होने वाली है और कब जारी होने वाली है, किस डेट को जारी होने वाली है। यहाँ पे मैं बात पहले आपको ये बताने वाला हूँ कि जो 17वीं किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 16 किस्तों का लाभ किसान उठा चुके हैं। अब 17वीं किस्त का लाभ मिलने जा रहा है, जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम किसान स्कीम की 17वीं किस्त जारी करने की तारीख के बारे में भी बता दी है। पीएम उत्तर प्रदेश के वाराणसी से योजना के अगली किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसमें आपको साल में 6,000 रुपये मिलना था और साल में 6,000 रुपये मिलना था, जो 2,000 की किस्तों पर मिलना था। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किस दिन जारी होगी किस्त, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में जो 17वीं किस्त है वो आपके पास में 18 जून 2024 को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे आपके सीधे बैंक अकाउंट में, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करने के दौरान अपना बैंक अकाउंट नंबर उसमें डाला होगा। जो मंगलवार को राजस्थान के करोड़ों किसानों के खातों में 2,000 रुपये की किस्त ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये सिर्फ राजस्थान नहीं, ये हर राज्य से जुड़े हुए किसानों में जहां पर उन्होंने इस पर रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उनके सबके खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और अगर मैं बात करूं इस सम्मान निधि किसी योजना में, तो 9.26 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए जाएंगे। किसी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान स्कीम के जरिए देश भर के 9.26 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। यह पैसे DBT के जरिए किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के 2.5 करोड़ से अधिक किसान वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। कैसे पता करें कि आपके खाते में कोई कार्य पेंडिंग है या नहीं? अगर आपको यह जानना है कि आपके खाते में KYC की प्रक्रिया पूरी हुई है या कि नहीं हुई है, बैंक खाते की जानकारी और आपकी जानकारी सही है या गलत है, तो इसके लिए आपको इसके गवर्नमेंट आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो https://pmkisan.government.in है। इस वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपने जिस मोबाइल नंबर से और जिस नाम से रजिस्टर किया होगा वो आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आप प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको वहाँ पर शो होगी। अगर आपने कुछ भी गलत जानकारी उसमें डाली होगी तो उस जानकारी को आप सुधार सकते हैं, और आपको अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप इसका सवाल भी कर सकते हैं। आपको एक ट्रैक नंबर, कस्टमर केयर नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पर आप जाकर अपने समस्या के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा pmkisanict@government.in पर ईमेल भी कर सकते हैं, इससे आपकी सारी सुविधाओं को, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।